हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बजट स्मार्ट एलईडी के बारे में। अगर आपका बजट यहाँ पे 12,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये से कम है और ऐसे में आपको एक एंड्रॉइड स्मार्ट एलईडी चाहिए तो ये एलईडी आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये 12,000 रुपये से भी कम में हमको मिल सकती है। अब एक्चुअली में ये एलईडी किस तरीके से हमारे पास आती है, इसकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल क्या है, ये सारी बातें स्टूडियो में हम जानेंगे और साथ साथ में अपना पर्सनल ओपिनियन भी वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा कि एलईडी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, क्या आपको अपना बजट बढ़ा के कोई और एलईडी यहाँ पे खरीदनी चाहिए या फिर ये एलटेक की एलईडी आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहेगी। और साथ साथ वीडियो में एंड में हम ये भी जानेंगे कि इस एलईडी को एक्चुअली हम परचेस कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा जरूर देखना अगर आप भी यहाँ पे 12,000 रुपये से कम में एक एंड्रॉइड एलईडी खरीदना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप एलईडी देख रहे हैं ये 32 इंच की एलईडी है जो कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, एक क्विक रिव्यू आप इसको बोल सकते हैं। इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो ये वीडियो एक शॉर्टली है जिसमें मैं ओवरव्यू उसका बताने वाला हूँ एक्चुअली में, किसकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल क्या है, क्या ये एलईडी सचमुच में आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। अगर इस एलईडी की मैं स्पेसिफिकेशन या फिर डिटेल की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। प्राइस के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये से भी कम में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पिक्चर रेजोल्यूशन की तो 1366x768 की रेजोल्यूशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर डायनेमिक कलर की या कॉन्ट्रास्ट की मैं बात करूँ तो 2000:1 का आपको डायनेमिक कलर इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। ब्राइटनेस के अंदर हमको 280 nits के देखने के लिए मिलती है। अगर इस एलईडी की एक्सपेक्ट रेशियो की हम बात करें तो 16.9 का आपको एक्सपेक्ट रेशियो इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ इस एलईडी की सबसे कमाल बात यह है कि इसके अंदर जो हमको बैकलाइट देखने के लिए मिलती है उसका लाइफ टाइम ड्यूरेशन 50,000 घंटे है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको एक बजट एंड्रॉइड स्मार्ट एलईडी के अंदर 50,000 लाइफ की ड्यूरेशन मिलती है बैकलाइट के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड सिंपल है। अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है एक एंड्रॉइड एलईडी यूज़ करने का तो काफ़ी आसानी से आप इस एलईडी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सभी तरीके की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी जो कि जनरली हर एलईडी में हमको देखने के लिए मिलती है। इस एलईडी के अंदर आपको 8GB की इंटरनल मेमोरी प्लस 1GB की हाई स्पीड की रैम देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ इस एलईडी के अंदर हाई स्पीड का प्रोसेसर हमको दिया गया है। इसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है अगर हम रीड राइट की बात करते हैं तो। अगर मैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी पिक्चर क्वालिटी के कलर काफ़ी ज़्यादा शार्प और एक्यूरेट है। साथ साथ इसके अंदर हमको बफर साउंड भी देखने के लिए मिलता है जो कि एलईडी के बैक साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको एक सराउंड साउंड सिस्टम का इंजॉयमेंट यहाँ पे लेना है तो ये एलईडी आपके लिए बेस्ट रहेगी क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी लिटरली में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। आप देख सकते हैं कि इस एलईडी के जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और एक्यूरेट है। उसके साथ साथ इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हमको दिखती हुई नज़र आती है। इसका जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है क्योंकि इस एलईडी के अंदर हमको हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इसकी एलईडी के इनपुट की बात करूं तो इसके अंदर आपको 2 HDMI पोर्ट 2 USB पोर्ट के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। साथ साथ आप अपने पीसी को VGA केबल के थ्रू भी यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर ऑडियो आउटपुट प्लस इनपुट का ऑप्शन भी हमको देखने के लिए मिलता है। अगर आप अपने होम थिएटर को एलईडी के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी हमको इसके अंदर देखते हुए नजर आता है। अगर आप यहां पे एक्सटर्नल होम थिएटर को भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये एलईडी उसको भी सपोर्ट करती है। वैसे तो इसके अंदर जो हमको इनबिल्ट स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक बूफर साउंड स्पीकर है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी अगर आप यहाँ पे एक्सटर्नल होम थिएटर भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये एलईडी उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करती है। कुछ अदर डिटेल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है जो कि इस एलईडी को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनाती है प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस एलटेक कंपनी की बात करूँ तो ये सर्टिफाइड रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट के थ्रू और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी गूगल के ऊपर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक अटैच कर दूंगा जहाँ पे जाके आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इनकी एलईडी के बारे में। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ या फिर इसकी एमआरपी की बात करूँ तो 14,100 रुपये की इसकी एमआरपी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
और ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है एक इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ यहाँ पे हो रही है और हम इंडिया के ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ इस एलईडी के अंदर हमको 1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलती है। अगर आपको वारंटी से रिलेटेड या फिर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बॉक्स से पैकेजिंग के ऊपर इनके हेल्पलाइन नंबर प्लस व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली आपकी जो रिक्वेस्ट है या फिर आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर सकते हैं इनके हेल्पलाइन सेंटर पर। तो ये जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड कंपनी है, इस बात में कोई भी यहाँ पे दो राय नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एयरटेक कंपनी की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है बेस्ट प्राइस में हमको प्रोवाइड करवाती है, तो मेरे हिसाब से ये जो एलईडी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बताई है इसकी क्विक अनबॉक्सिंग प्लस क्विक रिव्यू कि ये एलईडी ओवरऑल किस टाइप से हमारे पास आने वाली है। अब इसका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप से काम करता है, किस टाइप से इसके अंदर यूट्यूब और नेटफ्लिक्स जैसी एप्लीकेशन प्ले हो सकती है, हम मोबाइल को किस तरीके से इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कास्ट स्क्रीन के थ्रू, इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी हमको दी गई है उसकी रीड राइट की स्पीड है वो एक्चुअली में कितनी ज़्यादा फास्ट है, इन सभी के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो इस एलईडी के बारे में आपको मिल सके और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है पास में उसको भी यहाँ पर हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मेरी मिस ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ पर पूरा देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए एलईडी टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय। ओह सॉरी, तब तक बाय बाय।